नमस्कार, उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल के द्वितीय संस्करण में आपका स्वागत है। पिछला ओपिनियन पोल हमारा एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल से 10 दिन पहले प्रकाशित हो गया था, आप लोगों ने देखा था। अब यह दूसरा एबीपी सी वोटर या आज तक के ओपिनियन पोल के 3-4 दिन बाद हमें पता करना था कि लखीमपुर खीरी का एक्चुअली में कितना प्रभाव पड़ा है, इसलिए ये देर। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जब आप इस विश्लेषण को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा जो हमने साक्ष्य दिए हैं आपको, वो सत्यता की कसौटी पे खरे उतरेंगे। मेरे या लोकेश या सौरभ द्विवेदी के ग्राउंड रिपोर्टिंग से आप एक चीज का आकलन स्वयं कर पाएंगे, कास्ट फैक्टर। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर कास्ट फैक्टर पे बात ना हो तो कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी बात, अगर आप शहरी व्यूअर हैं या दिल्ली सेंट्रिक हैं, तो आपको यह समझना होगा कि गांव में लोगों की जरूरतें अलग होती हैं, कस्बों में अलग होते हैं, बड़े शहरों में अलग अलग होते हैं, और हर जरूरत के हिसाब से जो सरकार इस सत्यता की कसौटी पे खरी उतरेगी उसी को तो पुनः मौका मिलेगा। जब हम ओपिनियन पोल करते हैं तो हम हमेशा ही अनबायस्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये बात अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने का है। चाहे बिहार चुनाव हो या 2017 का ओपिनियन पोल, या लोकसभा 2019 का, या लोकसभा 2014 का, या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हार की कहानी, या फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया होना, ये सब मैंने अपने अपने ओपिनियन पोल में बताया था जब मैं ठलुआ क्लब के लिए काम करता था या द अभिषेक तिवारी शो का शुरुआती दौर था। मुझसे भी चूक हुई बंगाल चुनाव को लेकर के, इसलिए जब हम इस बार उत्तर प्रदेश पे गए तो हम अपने आप को काफी सजग रखे हुए हैं। हमने हर चीज पे बारीकी से अध्ययन किया, खास करके कास्ट कॉम्बिनेशन, खास करके कि अगर पूरा का पूरा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को चला जाए, जैसे कि वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को चला गया था, तब स्थितियां क्या होंगी। ये बात नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल में ऑफिशियली 27% मुसलमान थे और उत्तर प्रदेश में ऑफिशियली 19% है। ये गैप बहुत बड़ा है, और आपको यह भी समझना होगा कि सिर्फ मुस्लिम वोट को कंपनसेट कर देता है ब्राह्मण और भूमिहार वोट उत्तर प्रदेश में, जो कि 15% है। यह बहुत बड़ा मैटर है। तो हम यह भी जानेंगे कि क्या वाकई ब्राह्मण वोट जो है वो बीजेपी से छिटक रहा है। इसके लिए विंध्याचल भी आपको लेके चलूंगा, सुनिए। भाजपा से नाराज हैं तो ये सच्चाई नहीं है? नहीं, पंडित जी लोग ने, पंडित जी लोग जो योगी जी जो है पंडितों का काउंटर कराए हैं, जो लोग बदमाश हैं, अच्छा, जो कतली हैं, जो मर्डर करते हैं देशवासियों, गुंडा राज का खात्मा, गुंडा राज के उनका खात्मा हुआ है, अच्छा, इसीलिए नाराज हैं, इसीलिए नाराज हैं। लेकिन कुल मिला के इनकी सरकार ठीक रही है आपके हिसाब? बिल्कुल ठीक रही है। तो हमारे साथ कुछ और शख्स हैं चंदौली बाजार में ही। क्या नाम हुआ सर आपका? दिनेश सिंह। दिनेश सिंह जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और भाजपा, तीनों का सरकार तो आप देखे होंगे, हाँ। सरकार किसका बढ़िया लगता है आपको? भाजपा का। भाजपा का। तो महंत जी का काम कैसा रहा? ठीक है, ठीक है। सुरक्षित बन गया, मंदिर बन गया, धारा 370, हाँ। अच्छा, ये सब भी मुद्दा इस बार विधानसभा चुनाव में रहेगा? हाँ, रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो हालात हैं इस विधानसभा में, जो भाजपा की विधायिका है साधना सिंह, कैसा काम रहा उनका? ठीक है। शौचालय का पैसा और घर बनने का पैसा आप लोग को मिला है? हाँ, मिला है। मिला है, हाँ। आपके गांव में सबको मिला है? हाँ, मिला है। ये बताओ मेरे, क्या नाम हुआ मेरे भाई? अंता कुमार। अंता कुमार। अंता कुमार, ये बताओ कि किसका सरकार बढ़िया लगता है? बीजेपी का। बीजेपी का, काहे? कोई जवाब नहीं है, बस भाजपा अच्छी लगती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सतीश। सतीश, ये बताओ कि तुम्हारे लिए इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा भाई? क्या रहेगा, भाजपा ने बात, भाजपा ने तो भाजपा ने बात, क्या और कौन बात? अच्छा, यही मुद्दा है बस। अच्छा, क्या नाम है आपका? तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? ये हम तो नहीं बताएगी। नहीं तो कौन सी सरकार वापस आएगी? सरकार अनपढ़ आदमी है। नहीं, फिर भी अनपढ़ आदमी है, सरकार तो आपको भी चाहिए। कौन सी सरकार? सरकार जो बनी रही है दोनों हमारे लिए तो कुछ काम करके आ रहे हैं। बताएं, आप किसान हैं तो आपको क्या लगता है किसान का मुद्दा हावी रहेगा इस बार? हम तो कह रहे हैं कि योगी ही सरकार आना चाहिए।
क्योंकि सरकार आना चाहिए, क्यों, कोई कारण रहे होंगे? हमारे लिए तो बहुत अच्छी है, हर मुद्दे हैं, हमको अच्छा ही दिखाई दे रहा है। क्या नाम क्या है आपका? भगवान दीन जी। भगवान दीन जी क्या कहना चाह रहे हैं? कहना है उचाई रहे, जैसे किसान लोग गाय पालिन को रावण लगी बांध लेन बियाई गई दो दुकान, वही के बाद हमका छोड़ो यार 2000 रुपए कुंतल भूसा बिक भूसा बेच ले विदेश आने चरण दे, वही से तो किसान है अपने आप अपनी मट्टी प्लेट करे, ये मैं गवर्नमेंट कोई सा ना जाए। इसमें आपको लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई भी दोष नहीं है, तो योगी सरकार आने वाली है दोबारा या अखिलेश आएंगे? नहीं, योगी सरकार दोबारा फिर आएगी, हम लोगों की ये इच्छा है, उसमें सब सुधार बढ़िया है। पब्लिक क्या लगता है आपको, सहमत है इनसे सरकार? हाँ, योगी सरकार ही आएगी और हमारा तो 222 सीटें आई थी पीछे, सवा 300 सीटें आई थी, अब की हमारी आइडिया है कि 252 में पहुंच जाएंगे योगी जी, 352 में पहुंचेंगे योगी जी। आंकड़ा बता रहे हैं, इसका कारण है 352? हाँ है, हाँ क्योंकि उसने कर्म किए हैं ऐसे, ये 52 आंकड़ा होता है ना, इसलिए मैंने कहा। और योगी ही आएंगे और बढ़िया काम कर रहे हैं, सभी बातें उनमें है, और जमीन पर कार्य को उतारा है उन्होंने, जो कार्य किया किसानों तक पहुंच रहा है, अब किसान भाई हमारे कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये सब धंधे वाले बोल रहे हैं। लेकिन 6-7 महीने से कई हजारों किसान धरने पर बैठे हुए, वो किसान नहीं है? वो किसान नहीं है, हम नहीं मानते हैं, वो उद्योगिक है, उद्योग करने वाले व्यापार वाले बोल रहे हैं, किसान तो अपना कार्य कर रहा है, किसान तो अपना बिजी है खेती किसानी में। निर्धार है, वो कहना मान खाली होगी वो मोदी की मान, बाकी जो धंधा वाले हैं कहा मारो, हम लोगों ने कितनी बड़ी आराम चाहे जहाँ घूम, पुलिस सताओ न कोई पब्लिक सताओ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द अभिषेक तिवारी शो में। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं की दिल की धड़कनें जो है वो लगातार बढ़ने लग गई है, क्या होगा इस बार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो आइए हम जानते हैं मथुरा के बलदेव विधानसभा के लोगों से। तो जी आपका नाम? मेरा नाम राजपाल सिंह है जी। जी तो इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का मुख्यमंत्री आप कैसे बनाना चाहते हैं? आदरणीय योगी जी को बनाना चाहते हैं जी। योगी जी को क्यों बनाना चाहते हैं आप? इसलिए बनाना चाहते हैं कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अपना अलग से उत्तर प्रदेश इंडिया के अलग, इंडिया में अलग से नाम कर दिया है कि जो भी गुंडागर्दी थी वो आज जीरो हो चुकी है जी। अखिलेश यादव जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? अखिलेश यादव जी के बारे में ख्याल ऐसा है कि वहाँ सिर्फ जातिवादी का काम होता है, बाकी यादव के अलावा बाकी और कोई काम नहीं होता है, जो भी एक भी पुलिस कर्मचारी किसी थाने में होता है तो अब वो अपने आप को एक एसओ और एसपी की हैसियत से रखता है और खुलेआम हर चौराहे पर सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं होता है, और एक तरह से दोबारा से फिर समझ लो कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटने लगेगी, ये सरकार हमारी हिंदुओं को नहीं मानी जाएगी, ये मुसलमानों की सरकार हो जाती है। आपने बिल्कुल सत्य कहा, आपको याद भी होगा 1992 में अयोध्या कांड के बाद उन 60 कार सेवकों पर गोली मरवाई थी मुलायम सिंह जी ने। वो भी ऐसा हुआ था कि गोली जब दंगाई हमको मालूम पड़ती है कि ये दंगाई हैं तो उनके पैरों में गोली मार दी जाए, लेकिन हमारे जो सेवक थे, हमारे देश के जो सेवक थे और प्रभु श्री राम जी के मंदिर की जो है उसमें चल रहे थे तो उनकी छाती में और सीने में गोली लगाई गई, तो इसका मतलब है जानबूझ करके वो मौत के घाट उनको उतार दिया गया था जी। तो आपको लगता है कि इस बार योगी जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? योगी जी अगर देश अगर अपनी बहन बेटियों की इज्जत चाहता है और इस देश में अपने आप को हिंदू मानता है और प्रभु श्री राम को मानता है, और हमने देखा है कि अगर ऐसे ही हाल होता रहा और हमने हिंदूवादी अगर हमने नहीं अपनाया तो समझ लीजिए हो सकता है कि दोबारा से फिर हम गुलाम हो जाएं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं आप? आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ को क्यों? बढ़िया है, सबसे बढ़िया है जी। आपको योजनाएं मिल रही है? योजनाएं मिल रही है और क्या जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आ रहे तो किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं आप? योगी जी को। योगी जी को? योगी जी को क्यों? क्यों, वो बढ़िया बढ़िया है। आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं? सारी सुविधाएं मिल रही हैं जी। क्या क्या मिला आपको? सब चीज मिल गई। सिलेंडर मिल गया, शौचालय मिल गया, और अखिलेश यादव के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो तो आने ही नहीं। तो आपने देखा सबसे पहले लोकेश को और सौरभ को और मुझे, इसमें आपने कुछ चीजें नोट की हो तो आपको समझ में आएगा कि एकदम अंदर गांव में मथुरा जिले के कहीं जब लोकेश पहुंचता है
और भाजपा के प्रति हो सकता है महंगाई का मुद्दा बनाने का प्रयास हो या रोजगार का, लेकिन आपको अब यह मान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता बेवकूफ नहीं है। उसे पता है कि कोरोना में सरकार के खर्च बढ़े तो पेट्रोल और डीजल के मुद्दे गौण हो गए। महंगाई का मुद्दा है ऊपरी स्तर पर, लेकिन टेक्निकली अगर देखें तो यह मुद्दा भी गौण होता नजर आया। उसी प्रकार से जब मैंने एक फल वाले पासवान से पूछा, जाति पकड़िएगा, पासवान से पूछा चंदौली में तुम किसको वोट दोगे, वो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को। क्या शौचालय के पैसे मिले, वो कहता है कि हां मिले। अब उसी प्रकार से चंदौली के ही ब्राह्मण को देखिए, या फिर आप प्रयागराज के ब्राह्मण को देखिए, या फिर आप विंध्याचल के ब्राह्मण को देखिए, वो पूरी तरह से क्लियर है कि उसे किसको वोट करना है। अब आते हैं कि क्या इस जो नए प्रकरण में कांग्रेस एक नया सगुफा छोड़ रही है और समाजवादी पार्टी भी उसे मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है, किसान आंदोलन के नाम पर जो भी लखीमपुर में हुआ, तो क्या इससे ब्राह्मण वोट मिल जाएंगे? ब्लंडर पे ब्लंडर। पहला ब्लंडर यह किया कि इन लोगों ने ब्राह्मण राजनीति शुरू की। ब्राह्मण राजनीति शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कोर वोटर भी नाराज होगा। दूसरा ब्लंडर यह कि ना जात मिला ना भात। किसान आंदोलन लखीमपुर के नाम पे जो चार लोगों की लिंचिंग हुई, वो चारों के चारों ब्राह्मण, और ब्राह्मणों के लिए यहां आंसू बहाने वाला कोई नहीं, ना प्रियंका वाड्रा ना ही अखिलेश यादव। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या निकलता है, अखिलेश यादव और अब प्रियंका वाड्रा दोनों मंदिर मंदिर जा रहे, ललाट पे जो है अब त्रिमुंड बना हुआ है, चंदन का लेप लगा हुआ है, लेकिन इससे क्या हिंदू वोटर आपके झांसे में आ जाएगा? ये बात समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को और प्रियंका वाड्रा को कोई समझाए कि जिस खेल में वो हिंदुत्व के पिच पे बैटिंग करने जा रहे हैं, तुम एक नए खिलाड़ी हो, उसी खेल पे भस्म और भभूत रगड़ के बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। हिंदुत्व के पिच पे अगर योगी आदित्यनाथ को इस देश में कोई पराजित कर सकता है तो शायद वो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा होंगे, लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी में है। क्या आपके साथ कोई ऐसा बल्लेबाज है जो इनके पिच पे इनको हरा सके? जवाब है ना। यही नहीं, राम मंदिर मुद्दा है, उत्तर प्रदेश चुनाव में तालिबान भी मुद्दा है, और मुसलमानों के तुष्टीकरण के साथ जो हिंदुओं के अंदर आया है मुसलमानों के प्रति डर, जो कि साक्ष्यों में झलकता है, वो आपको भूलना नहीं चाहिए। साफ साफ कहते हैं, साफ साफ कहते हैं वोटर गांव के कि ये मुसलमान उसे वोट देते हैं, हम उसे वोट नहीं देंगे। यानी आप मुसलमान वोट तो पा गए लेकिन हिंदू वोट छिटक गया। अब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, माई कॉम्बिनेशन 19% और इसको हम ओवरऑल 9% अगर यादव के वोट को कर ले तो भी 27% होते हैं, घूम फिर के आप 30% पे पहुंचेंगे। मगर बहुजन समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी जो फिलहाल न तो कास्ट की राजनीति कर रही है, ना धर्म की राजनीति कर रही है, बहुत ही सीधे सधे हुए अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा है, जिसको कहते हैं टेस्ट मैच बल्लेबाज। आपको यह समझना पड़ेगा कि लखनऊ में हुई रैली और उसके भीड़ को देख करके अगर आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी को, तो यह आपकी भूल है। मैं बताता चलूं कि आपको 2017 में या 2019 में बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट अपना उसके साथ खड़ा था, मुसलमानों का वोट चाहे विधानसभा चुनाव हो उत्तर प्रदेश के 2017 वाले या लोकसभा चुनाव 2019 के, मुसलमानों का वोट विभाजित नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश में। यह ठीक बंगाल की वही दशा है जहां पे तृणमूल कांग्रेस को पूरा का पूरा मुसलमानों का वोट मिल गया था। बंगाल में मुसलमान 27% है, वहीं उत्तर प्रदेश में 19% है। इनमें से भी 2% आप शियाओं का वोट हटा ही दीजिए, ये न तो कभी आपको मिला था और ना ही कभी मिलेगा, यानी 17% में अब दावेदार कौन कौन? 17% मुसलमान के वोट का सबसे बड़ा दावेदार समाजवादी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप युवाओं के बीच में ऑल इंडियन इत्तेहादे मुसल्लमीन यानी ओवैसी की पार्टी को नहीं देख रहे हैं तो आप भ्रम में। चाहे मुख्तार अंसारी का वोट हो या अतीक अहमद का वोट हो, आपको इलाहाबाद से लेकर के गाजीपुर और अलीगढ़ में ओवैसी के प्रशंसक मिल जाएंगे। ओवैसी इतना क्यों पॉपुलर हो रहा है? क्या हो अगर आजम खान का मौन समर्थन या
डायरेक्टली इनडायरेक्टली समर्थन जो है ओवैसी को प्राप्त हो जाए और कुछ मौलानाओं के समर्थन भी प्राप्त हो जाए जो कि इस्लामिक स्टडी सेंटर चलाते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में माहौल कितना बदलेगा। और जैसे जैसे समय बीतेगा ओवैसी जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की धरती पे समाजवादी पार्टी को काउंटर करेंगे, आप देखेंगे समाजवादी पार्टी हिंदू के वोट की तरफ और झुकेगी, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि मुसलमान वोट तो कट रहा है, अब उनका अंतिम सहारा कौन है? हिंदू वोट। हिंदू वोट जब चाहिए तो सिर्फ यदुवंशी वोट तो मिलेगा नहीं, वैसे भी यदुवंशियों में राष्ट्रवाद की एक लहर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जागृत हो रही है। मैं उस तबके की बात कर रहा हूं जो पॉलिटिक्स को ज्यादा समझता है, उनमें राष्ट्रवाद की विचारधारा पनप रही है। और जब राष्ट्रवाद की बात होगी तो समाजवादी पार्टी कहां टिकेगी मोदी शाह और योगी के आगे, यह बात समझने की है। अब चलिए धरातल पे जो हमने महसूस किया, सवालों की बात करते हैं। हमने जब सवाल किया कि उत्तर प्रदेश की जनता किसको सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, तो आप विश्वास करें 47% लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ से बेहतर मुख्यमंत्री कोई नहीं है। यह बहुत बड़ा नंबर है, खास करके जब फाइट थ्री कॉर्नर या यूं कहें फोर्थ कॉर्नर में कहीं ना कहीं खड़े ओवैसी भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब बात करेंगे क्या राजभर वोट और कुर्मी वोट और मल्लाह वोट बीजेपी के साथ हैं, तो जितने साथ वो 2019 में थे 17 में थे अभी भी उतने ही हैं, तो बीजेपी का वोट कहां कम हो रहा है? बीजेपी का वोट तो कम हो रहा है। इस बात को समझने के लिए हम जब पश्चिमी यूपी में गए तो हमें पता चला कि हां जाट का वोट बुरी तरह से नाराज है, लेकिन फिर भी 30% जाट का वोट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। उसका कारण संगीत सोम हो सकते हैं, संजीव बालियान हो सकते हैं, लेकिन उस कमी को गुज्जर वोट पूरी कर रहा है। हालांकि मूर्ति पॉलिटिक्स ने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ज्यादा डेंट किया। अब अगला सवाल था कि क्या बेरोजगारी का मुद्दा है, आप इस सवाल के जवाब को शहर और गांव में बांट दीजिए। गांवों में बेरोजगारी का मुद्दा ज्यादा दिखता है, शहरों में बेरोजगारी का मुद्दा तो है लेकिन योगी ही विकल्प है। इस दोनों चीज को समझिए, गांव में बेरोजगारी का मुद्दा है क्योंकि कोरोना का मार सबसे ज्यादा अगर आप इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो गांव तक ज्यादा पहुंचा है, शहरों में अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। इस बात को अगर आप समझते हैं बखूबी, और फिर भी अगर गांव का वोटर ये कह दे कि हां यह मुद्दा जरूर है लेकिन इसका कारण योगी नहीं कोरोना है, तो आपको चौंकना चाहिए, क्योंकि आपको यह समझना चाहिए फिर कि यह आखिरकार नाराज हो सकता है, थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है, लेकिन यह वोट कहां जा रहा है। अब हम बात करते हैं वोट शेयर की। एबीपी न्यूज ने भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट दिया है इस बार दूसरे सर्वे में। मैंने अपने पहले सर्वे में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपस्विंग की तरफ है और उस वक्त मैंने भारतीय जनता पार्टी को 40% मत दिए थे और इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी को 40.7% ही मत दे रहा हूं, यानी लगभग 41%। आप यह कह सकते हैं कि एबीपी के सर्वे को यह वोट शेयर मैच कर रहा है, लेकिन एक मिनट रुकिए, समाजवादी पार्टी को मैं अभी भी 29% ही मत दे रहा हूं और मेरा गैप बढ़कर के 12% का होता है, 16%, 16.5% के आसपास जो है वो मत प्राप्त हो रहा है बसपा को। अगर आप एक समझदार वोटर हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इस 16% मत में अगर 16% मत मुसलमानों का ऐड हो जाए एक तरफा तो ये मत पहुंचता है 32%। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त खड़ी है 40% पे। क्या चमत्कार होगा अगले 6 महीने में अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर को किसी तरह से 37-38 पे ले जाया जाए और बसपा की तरफ अगर मुसलमान चले जाए और थोड़ा बहुत और ऐड हो जाए तो मामला ज्यादा गंभीर नजर आएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। किंतु परंतु कदाचित आपको यह समझना होगा कि ऐसा हो नहीं रहा है। मुसलमानों को यह लग रहा है कि मायावती अब उनकी नेत्री नहीं, यह बात आप स्टैब्लिश मान लीजिए, यानी मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ही पूरी तरह से जाता हुआ नजर आ रहा है। 1-2% आप हटा लीजिएगा ओवैसी और बाकी फैक्टर्स की तरफ, यानी
आप मान लीजिए 16% मुसलमान वोट लगभग लगभग उनके पास जाएगा। अब इसमें आप ऐड कर लीजिएगा 8% यादव वोट, 24%। मैंने 29% दिया है, ये मेरी मेहरबानी है, और इससे ज्यादा मत समाजवादी पार्टी को प्राप्त हो भी नहीं रहा। उत्तर प्रदेश को जानने वाले लोग मेरी इस बात का समर्थन करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों को आप किसी भी नजरिए से देखें, मगर वो पॉलिटिकली काफी साउंड है। राजनीति की समझ बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों में जितनी है, देश के किसी भी कोने में उतना नहीं। और इसी वजह से मैंने आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को इस पूरे दौर से बिल्कुल बाहर रखा है। एड कैंपेन और न्यूज में प्रियंका वाड्रा छा सकती हैं, किंतु धरातल पे ना तो हमें कभी अभी तक कोई कांग्रेसी मिला है समर्थक। अगर उनके फैमिली मेंबर्स जो कांग्रेसी रहे जन्मजात उनको छोड़ दिया जाए तो, यानी इसका मतलब क्या निकलता है? अगर भविष्य में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो समाजवादी पार्टी दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा आत्मघाती फैसला लेगी, जो कि 2017 में उसने लिया था। इसको ठीक से समझने के लिए आपको समझना चाहिए बिहार की राजनीति को। अब मैं इस बात को क्यों समझा रहा हूं आपको, ऐसी गलती हम पूर्व में देख चुके हैं, अखिलेश भी कर चुके हैं और आरजेडी के तेजस्वी यादव ने किया था। 70 सीटें कांग्रेस को दे दी, परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि उस 70 सीट में से कांग्रेस 10 सीट के आसपास ही ला सके, मगर उत्तर प्रदेश में तो हालात और बुरे थे। उस 70 में से सिर्फ 7 सीटें लेके आई, जबकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी जो है वो 9 सीट लेके आ गई, मात्र 13 सीट पे चुनाव लड़ गई। इस बार भी अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ, न निषाद से बैर है न राजभर से बैर है, यानी आप माइनस कर दे ओबीसी में यादव को, जो कि एक स्विंग वोट है समाजवादी पार्टी का, तो हालात पूरी तरह से उल्टे हो। यानी आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सवर्ण व्यापारी वोट पे निर्भर नहीं है, वो ओबीसी वोट पे निर्भर है, और वो ओबीसी वोटर जो है बहुत मजबूती के साथ राष्ट्रवाद के मुद्दे पे या किसी भी मुद्दे पे योगी जी के साथ खड़ा है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में इस वक्त शहर हो गांव हो कस्बा हो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो 2000 से लेकर के 2019 तक उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या था? क्राइम। हो सकता है पॉलिटिकली समराइज करने वाले, एनालाइज करने वाले लोग इस मेरी इस बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल सबसे बड़ा मुद्दा था, चाहे वो 2017 का चुनाव हो, 2007 का चुनाव हो, 2012 का चुनाव हो। यानी लेकिन अब यहां पे एक ट्विस्ट है, अखिलेश यादव जब चुनाव लड़ने गए तो अपराध का मुद्दा था, उनके खिलाफ भी अपराध का मुद्दा बना, और लेकिन अब योगी जी के लिए फेवर में जो चीज काम कर रही है वो यही कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश को गुंडों से, मवालियों से, जिहादियों से सुरक्षित कर दिया। यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यूपी में योगी जी के लिए। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी आदमी से यह पूछ लीजिए, वो अगर उसने 2017 में बीजेपी को वोट किया है, जिसने, उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसी प्रोस्पेक्टिव में देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को जो 2017 में वोट मिले या 2019 में वोट मिले, वो वोटर इस बात को समझता है या नहीं। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो मेरे ओपिनियन पोल का मतलब भी समझ जाएंगे। अब बात करते हैं सीटों की। अब जब हम इसको सीटों में कन्वर्ट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 280 से 290 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। आपने ठीक सुना, 280 से 290 सीटें, यह बहुत बड़ा नंबर है। 15 से 22 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, यानी बिना मुसलमानों के वोट के बहुजन समाजवादी पार्टी 2017 में जो जिस पोजीशन पे थी वो उस पोजीशन को रिपीट कर रही है। यह बहुत 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 बड़ी बात है। आप ये ना सोचिए कि बसपा खत्म हो गई। भविष्य में इस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बसपा और भारतीय जनता पार्टी ही शायद दो प्रमुख
विपक्षी दल बचे। क्यों? क्योंकि इस चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल होगा। उनके चचा पहले ही एक अलग पार्टी बनाने की बात कर चुके हैं, कुछ सीटों पे हो सकता है 2022 में वो चुनाव भी लड़े, इस बात को समझना होगा हमें। अब हम बड़ी बात करते हैं, लार्जर पिक्चर की बात करते हैं। क्या समाजवादी पार्टी एबीपी न्यूज ने जैसा दिखाया 100 सीट जीत रही है, वास्तव में जीत रही है? नहीं जीत रही है। कहीं से भी समाजवादी पार्टी 100 सीट जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर वो 70 सीट जो पिछली बार जीती थी वो रिपीट कर जाए तो मैं यही कहूंगा कि ये समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इस ओपिनियन पोल में इतना ही, अगले ओपिनियन पोल में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बताएंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत है। मगर अभी एक बात मैं आपको मोटा मोटी बता दूं, बुंदेलखंड हो, अवध हो या फिर पूर्वांचल, यहां पे योगी जी का लहर नहीं कहर है। और पूर्वांचल में तो आप बात ही मत कीजिए, मैंने जहां देखा बस योगी को ही देखा। और मैं ये ओपिनियन पोल करते वक्त काफी निष्पक्ष था, क्योंकि बंगाल चुनाव में मेरी असफलता के बाद मेरी भी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी हुई है। जय श्री राम।